हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब कि फाइनली इतना वेट करने के बाद आज गाड़ी की वीडियो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। तो ये स्कॉर्पियो एन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इसका, मतलब Z8L लग्जरी पैक वाला। और ये कुछ इस तरीके की चाबी है इसकी। यहाँ पे आपको तीन कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, यहाँ पे बूट को अनलॉक करने के लिए बटन है। फिजिकल की भी मिलती है बट वो इमरजेंसी केस के लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर होती है। और इसके एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 18,99,000 रुपये एक्स शोरूम डेली आपको पड़ती है ये। और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करती है। और ऑफर तो क्या ही बताऊँ भाई, डिमांड इतनी है, मतलब 30 मिनट के अंदर 1 लाख प्लस बुकिंग्स गाड़ी की मायने रखती है भाई। तो गाड़ी की चाबी है, अभी रख लेते हैं जेब में से। और अभी फ्रंट से चलो दिखाई देता हूँ, दो तीन चीज़ें चाबी से आप कर सकते हो। तो फ्रंट से अभी स्टार्ट करें तो हमें डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्ट ये अपने इंडिकेटर्स हैं, ये अपनी DRLs हैं, प्रोजेक्टर बेस अपना, फॉग लैंप्स मिलते हैं, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। तो आपको जैसे ये ऑन करने हैं DRL, तो सिंपली इसके लिए जैसे जितनी बार भी गाड़ी को अनलॉक करोगे तो ये ऑन हो जाते हैं और फिर बंद हो जाएंगे थोड़ी देर ब्लिंक करके, जैसे कि अब हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सहूलियत मिल जाती है और इंडिकेटर्स वगैरह भी ऑन होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो ये कुछ इस तरीके की मिलती है ग्रिल, मल्टी स्ट्रिप्स मिलती हैं, मतलब पहले स्कॉर्पियो से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अंदर थोड़े डब्बे डब्बे से आते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। महिंद्रा का नया लोगो फाइनली अब स्कॉर्पियो के ऊपर अपना देखने के लिए मिलता है आपको। और जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी, अब ये भी आएगी कि डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, ये क्लासिक के नाम से आएगी। और अब उसके ऊपर भी आपको नए वाला महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा। बट इस स्कॉर्पियो के अंदर यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आपको मिलता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है बट आगे और पीछे कैमरे ज़रूर मिलते हैं। और गाड़ी की डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। साइड में क्लैडिंग्स वगैरह मिलते हैं, महिंद्रा इसको डैडी बुलाती है भाई SUVs की, तो वो सारे भाई हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें, मतलब तो एकदम ब्रॉड प्रोफाइल निकल के आती है। वीडियोज़ में आपको ऐसा जस्टिस नहीं होगा ज़्यादा, बट रियल आंखों से जब आप इसे देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई कितनी प्रीमियम लगती है। मतलब पहली वाली स्कॉर्पियो जो होती है वो तो थोड़ी माई उसका रुतबा थोड़ा अलग था, ये थोड़ी ज़्यादा ऐसी बना दे कि भाई कोजी नहीं ऐसा गाड़ी के अंदर, और मतलब आप इसे ड्राइव करना पसंद करोगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ध्यान दी गई हैं। और यहाँ पे साइड आए तो अपना अपोलो के टायर्स मिलते हैं, 245/60/R17 के कुछ ऐसे मिलते हैं, मशीन कट अलॉय व्हील्स, कुछ ऐसा डिज़ाइन है। और ये वेरिएंट टू वेरिएंट अपना अलग अलग भी आपको मिलेगा, आगे पीछे डिस्क ब्रेक की आपको मिलती हैं। और ये पेट्रोल वाला वेरिएंट पर्टिकुलर अगर आपको बताऊँ तो ये है अपने बॉडी कलर ORVMs इंडिकेटर्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली बात है टॉप वेरिएंट है, तो फोल्ड एंड फोल्ड इलेक्ट्रिकली होंगे। ये हैं डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर है, क्रोम स्ट्रिप्स हैं। और पर्सनली गाड़ी का जो मतलब ओवरऑल डिज़ाइन है भाई, ठीक लगा मुझे, मतलब कि लगती है कि हाँ भाई मैं डेली बेसिस पे गाड़ी को चला सकता हूँ, कहीं ट्रिप पे लेके जाना हो तो वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, मतलब एक फैमिली मटेरियल लगती है। पहली जो स्कॉर्पियो थी भाई वो थोड़ी दबंग टाइप गाड़ी थी, और ये थोड़ी फैमिलियर कार लगती है कि हाँ भाई बंदे प्रेफर करेंगे बहुत ज़्यादा। और वो आपने देख लिया होगा भाई बुकिंग से इसकी। तो यहाँ पर रूफ रेल्स मिलती हैं, अभी हाइट तो इसकी बहुत ऊपर है तो मैं जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर रूफ रेल्स मिलती हैं। और ये शार्प इन एंटीना भी मिलता है, सनरूफ भी आती है, वो अंदर से दिखाऊंगा। और यहाँ पे है अपना स्टॉप लैंप, डिफॉगर है, वाइपर है। और यहाँ पे मिलते हैं डोर हैंडल्स, और यहाँ पे भी क्वेश्चन सर आपको मिलता है पीछे वाले डोर को खोलने के लिए। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है, और एन को अलग से ऐसा हाईलाइट किया हुआ है, बट मर्ज किया हुआ है स्कॉर्पियो के साथ। यहाँ पे रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट, और ये देखो लोगो, बिल्कुल ये लगता है भाई मतलब इसी के लिए ही बनाया गया हो। ऐसे थोड़ा XUV में ऐसा लगता था, क्योंकि हाँ भाई XUV 7W की बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता था कि वो अलग से लगाया गया हो, बट इसके ऊपर बहुत सही तरीके से असेंबल हुआ है। तो ये है जी, और ये कुछ ऐसे मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैम्प, जितनी बार आप लॉक अनलॉक करोगे ये पूरा जलता है, मस्त लगता है कुल मिला के। और ये देखो भाई बढ़िया लगती है, एकदम बढ़िया प्यार हो जाएगा देखते के साथ ही। और ये कलर पर्सनली तो पहली बार जब मैंने देखी थी तो इसी कलर के अंदर देखी थी, और अभी तो शोरूम के अंदर है, जब मैंने देखी तो भाई धूप में थी, खुले में खड़ी थी, क्या मस्त लग रही थी। तो ये है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और ये नीचे अपना रिफ्लेक्टर्स और बैकलाइट यहाँ पर मिलती है, और स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा गाड़ी के नीचे। और अभी इसकी बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मिलते हैं, ये देख सकते हो आप, सिंपली कोई एफर्ट आपको नहीं डालना पड़ेगा ज़्यादा मतलब इसे खोलने के लिए। यहाँ पे डोर लिवर भी है। अब ये अभी बहुत सारे बंदे इस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जब ये सीट्स कैप्टन है तो ये इसका क्या काम है यहाँ पे, तो भाई ज़रूरी नहीं है ना कि ये इसी के अंदर, इसलिए कोई यहाँ बैठेगा सीधी सी बात वो नहीं खोलेगा। बट इससे जो नीचे वाले वेरियंट आएंगे, क्या पता उनके अंदर वैसे फ्रंट फेसिंग सीट्स मिल जाएँ, तो ये उनके लिए कंपनी भाई करोड़ों रुपए खर्च कर देती है R&D पे, तो भाई किसी भी चीज़ पे ऐसे पॉइंट आउट करने से पहले सोच लिया करें।
ये है कुछ, अगर ये सीट्स रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, मतलब एक तो छोटा मोटा बैग यहाँ पे आप रख लोगे और टूल किट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और अभी इसे कर लेते हैं बंद। तो ये है जी, और यहाँ से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल। ये देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ से गाड़ी आपकी अनलॉक है, चाबी आपकी जेब में, तो सिंपल आप इसे ऐसे एक प्रेस से खोल बंद कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेनोक्स की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। तो अभी इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर्स में चलते हैं। तो उससे पहले डायवर्सर डोर की बात करें तो भाई पहली बात तो भाई इंटीरियर से प्यार हो जाएगा आपको इसके इंटीरियर से, मतलब बिल्कुल ही धरती आसमान का फ़र्क कर दिया। जैसी पहली स्कॉर्पियो थी वो एकदम रगड़ लगती थी, ये भाई देखना कितनी प्रीमियम फील होती है, मतलब नई गाड़ी की जो खुशबू होती है ना वो भी, मतलब अभी बात करेंगे इसकी। तो पहले डोर पैनल आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर पूरा लेदर ही लेदर है, ये थोड़ा प्लास्टिक है बट ये लेदर है। चारों पार विंडोज़ हैं, ग्लॉसी ट्रीज देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, ये अपने डोर्स के लॉक, विंडोज़ के लॉक और ये ORM के लॉक, यहाँ से आप इन्हें फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो सिंपली। ये डोर लिवर्स कुछ इस टाइप के मिलते हैं, ग्रैब हैंडल है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर और थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है। और भाई साहब स्कॉर्पियो के अंदर अब आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड सीट विद लंबर सपोर्ट, मतलब कि ये चीज़ आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इफ़ आपको अगर बैक में कोई दिक्कत होती है लॉन्ग टर्म पे, अगर ड्राइव करते हो आप तो यहाँ से कर सकते हो। नीचे की साइड तीन पेडल्स हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच, और यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए बटन है, लाइट लेवलिंग डायल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और क्रैब हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ऊँची गाड़ी है तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। और अभी अंदर चलते हैं, तो अभी अंदर की बात करते हैं, डोर्स को लगा लेते हैं। ओ भाई साहब, मतलब फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ भाई, क्या नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही है ना मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठ के। और इतनी टाइम से मैं भाई कहाँ कहाँ पे नहीं सर्च करी है गाड़ी, बट फाइनली आज आपके सामने वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फिजिकल की आपको मिलती है, बट ये फॉर इमरजेंसी केस है, इंडी केस है, गाड़ी कनेक्टिविटी लूज कर चुकी है तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे यूज़। बाकी कीलेस एंट्री आपको ऑफर होती है तो आप रख दो इसको साइड में। और यहाँ पे मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसे आप एक बार प्रेस करोगे ऐसे तो ये देखो क्लस्टर, मतलब इतना ज़्यादा शानदार लगता है ये, मतलब ये बिल्कुल एकदम डार्क रहते हैं और जब भी एकदम से लाइट ऑन होती है तो प्रॉपर एकदम स्मूथ तरीके से ग्लो करते हैं और मतलब निडल्स अपनी ऊपर की साइड जाती हैं, बहुत प्यार लगता है। अभी ये मैं 2-3 बार ऑन ऑफ कर चुका हूँ, इस चक्कर में ये क्लस्टर और डिस्प्ले एक बार में स्टार्ट हो गई है, बाकी नहीं तो आप एक बार पुश करोगे तो ये जो इसके अंदर काफ़ी बड़ी सी एक डिस्प्ले मिलती है MIDM, ये यहाँ पे ऑन हो जाती है। और ये देखो प्रॉपर एनिमेटेड स्कॉर्पियो आती है और दिखाती है कि भाई ये दरवाज़ा खुला हुआ है। और अब इसके अंदर आपको चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज टाइम ड्यूरेशन, डिस्टेंस, एम्पटी, टेम्परेचर, जितने भी रिमाइंडर्स आपको गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आप सोचोगे कि इसके अंदर होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। 7000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग की हुई है, ये देखो कुछ इस तरीके से। और भाई ये भी अभी इसके साथ ही ऑन हुआ है तो इसकी भी बात करेंगे आगे, बट उससे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ ऐसे मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और इधर की साइड मिलते हैं हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं और वाइट लाइट ऑफर करते हैं, वो अभी दिखा दूंगा आपको एक छोटी सी क्लिप में। और अभी स्टेयरिंग की बात करें तो भाई डेफिनेटली एकदम डिफरेंट फील है इस इंटीरियर की, इस स्टेयरिंग की, इस गाड़ी की, मतलब आप पिछली वाली स्कॉर्पियो से इसे कंपेयर अगर करते हो तो धरती आसमान का फर्क है बिल्कुल। ये मतलब बिल्कुल लग्जरी फील होती है भाई, बिल्कुल लग्जरी फील होती है। स्टेयरिंग की बात कर लो, इवन अब नया लोगो भी आ चुका है यहाँ पे महिंद्रा का। और ये हैं कुछ कंट्रोल्स, यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है और इस MID के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो यहाँ से आप कर सकते हो इसे, यहाँ से सिंपल। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ से लेवर पुल करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो और टिल्ट का ही आई थिंक ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ज़्यादा फोर्सफुली भी करके देख लिया तो ये आगे पीछे नहीं हो रहा, बस ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ये ग्लॉसी पैनल है, थोड़ा सा ये सिल्वर हाईलाइट है, नीचे की साइड तीन पैडल्स वो मैंने आपको दिखा दिए। और स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 1-2 और ऐसे ही बहुत सारे स्पीकर लगे हुए हैं, और कौन सी कंपनी इसमें डील कर रही है तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सोनी का म्यूजिक सिस्टम आता है और ये आई थिंक सिर्फ लग्जरी पैक के अंदर ही आपको मिलेगा, जैसा कि XUV700 के अंदर था। और डुअल शेड में मिलता है पूरा ही, और ये पूरा लेदर ही लेदर मिलता है भाई यहाँ पे, मतलब स्कॉर्पियो में पहली में तो कुछ नहीं था और इसके अंदर दिया तो इतना कुछ दे दिया कि भाई मतलब बंदा पागल हो जाए फीचर्स गिनते गिनते।
यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। ये पूरे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन, ये कुछ और बटन यहाँ पे मिल जाते हैं व्यू के, एड स्टार्ट वाले, और यहाँ पे हेजर लाइट की बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और नीचे की साइड पैसेंजर एयर रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग है। मतलब इस पैनल के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसे देख सकते हो, एसी वेंट्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। एक यहाँ पे मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, कुछ इस तरीके का हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, दो कप होल्डर्स हैं काफ़ी शानदार, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है, और ये भी पूरा लेदर ही लेदर मिलता है आपको। और इधर की साइड आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है विद इल्यूमिनेशन, ये आप देख सकते हो, व्हाइट लाइट मिलती है इसके अंदर भी। तो भाई किन किन चीज़ों के बारे में बात करें और किन किन चीज़ों के बारे में बात ना करें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे है वैनिटी मिरर विद लाइट और वाइट लाइट ऑफर किए हैं, ये बहुत सही काम किया है यहाँ पे। ये अपना सनरूफ मिलती है यहाँ पे, पैनोरामिक तो नहीं है बट अपना सनरूफ मिलती है, तो इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये सनग्लास होल्डर है, इधर की साइड कोई लाइट नहीं मिलती है बट टिकट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये ऊपर की साइड भी स्पीकर्स आपको मिलते हैं, यहाँ माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है भाई इसके अंदर। तो ये है, और पूरी टनल दी हुई है, तो थोड़ा ऐसा फील आता है कि भाई हाँ अपनी अलग अलग पर्सनल एक जगह पर आप बैठे हो कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो फील देती है गाड़ी बहुत बढ़िया। और सीट्स कंफर्टेबल हैं अभी तक, और अभी पीछे चलते हैं, इस सीट में कर लेता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट। और एक चीज़ और, यहाँ पे जितनी बार भी आप गाड़ी को ऐसे बंद करते हो तो यहाँ पे लिख के आता है गुड बाय, मतलब एक अच्छे तरीके से आपको गुड बाय बोलती है गाड़ी, और ये ऐसे टाइम और किलोमीटर यहाँ पे दिखाता रहता है। और अभी इसे कर लेते हैं एडजस्ट, तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड सीट्स मिलती हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी एफर्टलेस सा काम लगता है बिल्कुल, कि हाँ भाई आप कह ही नहीं सकते कि स्कॉर्पियो के अंदर हम बैठे हुए हैं। और ये भी कर लेते हैं, और अभी चलते हैं पीछे, और पीछे की सारी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ कि पीछे कितनी स्पेस मिलती है आपको। और अभी पीछे वाली सीट की बात करें तो उससे पहले ये देख लो डोर पैनल, ये भी सेम वही मिलता है, लेदर ग्लॉसी पैनल्स, पावर विंडो, डोर लिवर, ग्रैब हैंडल, स्पीकर रिप्लेसमेंट, बोटर होल्डर। और अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल बहुत सही जगह पे दिया हुआ है। और अभी इंटीरियर की बात करें तो ये देख लो भाई क्या स्पेस मेरे पास बनती है। और ये है अपने दोनों सीट्स पे मैगजीन होल्डर, पीछे एक साइड एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दिखाता हूँ एक सेकंड लाइट जला के, ये देखो ये एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है भाई यहाँ पे, टाइप सी मतलब कि देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। और भाई सीट्स की बात करूँ तो लिटरली काफ़ी कंफर्टेबल है, एक मिनिमल सा हम ज़रूर है, बाकी 3 बंदों को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, लगी मेरा स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। तो और यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और ये देखो होल्ड करने के लिए यहाँ पे ग्रिप्स भी दी हुई हैं इसके अंदर, और ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे से डैशबोर्ड, अपना रूफ आ जाती है यहाँ पे, पैनर ओपन तो नहीं है बट एक नॉर्मल सनरूफ मिल जाती है, और काफ़ी बड़ी है ऐसा नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं यहाँ पे, कोट वगैरह हैंग करने के लिए हुक्स मिल जाते हैं यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिलती है वाइट लाइट, और भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल ब्राइट है यार ये, मतलब बढ़िया है एकदम, ये देखो बहुत ज़्यादा शानदार। तो ये चीज़ें हैं, और अभी पीछे की स्पेस और दिखा देता हूँ उस साइड से आके, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी भाई पीछे वाली रो कितनी कंफर्टेबल है इसकी। बाकी भाई ये सीट्स तो भाई कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी यहाँ से कुछ रह भी जाए तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ गाड़ी को देख के, तो एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं पीछे, तो अभी चलते हैं पीछे वाली सीट्स पे, तो आई थिंक इसी से हो जाना चाहिए, जी हाँ। तो एक सिंगल मतलब लिवर को पुल करने से ये ट्रम्बल हो गए सीट बहुत सिंपली। और अभी आपको पीछे की स्पेस दिखा देता हूँ, तो पहली बात तो भाई मतलब अंदर बाहर होना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, जितना आप सोचोगे कि एक बड़ी गाड़ी में लगता है फोर्स उतना ही लगेगा। और दूसरी बात, सीट्स की कुशनिंग तो ठीक है, बाकी जैसा आप थर्ड रो एक्सपेक्ट करोगे किसी भी गाड़ी का वैसा सा ही है, बाकी कंफर्टेबल है। बाकी अगर किसी का हाइट ऐसा 5-9 से नीचे है ना, तो वो तो बहुत आराम से आ जाएगा, बाकी बच्चे काफ़ी आराम से बैठ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मिल जाते हैं हेड रेस्ट, और देखो 12 का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है कहाँ पे, ये देखो ये रहा है। तो सहूलियत रहेगी पीछे वाली रो के लिए भी, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, ये लाइट्स मिल जाती हैं पीछे वाली रो में भी, और ये भी काफ़ी मस्त मिलती हैं, यहीं पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। और भाई साहब गजब है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे ऐसे ध्यान दिया गया है इस गाड़ी के अंदर कि आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक चीज़ जो मुझे बेस्ट लगी वो है इसका ग्लास एरिया, मतलब कि इतना बड़ा है, मुँह के पास ही रहता है, तो बिल्कुल लगता नहीं है कि आप ऐसे थर्ड वाली रो में बैठे हो। तो ये भी अपने आप में ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एडजस्टेड हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
इतने आप कर सकते हो, बाकी पीछे बंदे मतलब 5-9 से नीचे नीचे का कोई बंदा हो बहुत आराम से बैठ जाएगा, 6 फुट के बंदे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको। तो अभी बात करते हैं इस शानदार सी एसयूवी के इंजन कंपार्टमेंट की। तो अभी लेटेस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ पेट्रोल इंजन, जिससे स्कॉर्पियो कोसों दूर थी, अब पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर आ चुका है। और जैसे आप लिवर पुल करते हो तो ये अपना स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के उनके थ्रू ये यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हजार लाइट ऑन हो जाती हैं, और ये जब तक ऑन रहेंगे जब तक बोनट खुला रहेगा, ये मैंने की नहीं है, ये अपने आप ही हो जाती है और महिंद्रा की हर कार के अंदर हो जाती हैं। और फिर आता है भाई इसका ये बहुत ही हैवी बोनट, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है ना तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इसे ऊपर करने के लिए, क्योंकि वेट बहुत है इसके अंदर। यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग मिलती है और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है एक नया पेट्रोल इंजन जो कि 1997 सीसी का है, 4 सिलेंडर है, 200 bhp निकालता है, 370 nm का टॉर्क निकालता है और 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैरी करती है गाड़ी अपने साथ। और माइलेज वगैरह की बात करें तो वो तो अपना ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये है कुछ पावरफुल पेट्रोल इंजन, और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं एक सेकंड में। तो ये देखो जो लाइट्स वगैरह थी ये यहाँ पे ऑफ हो चुकी हैं अपने आप। तो ये महिंद्रा की हर गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, बट एक चीज़ जो मिस कर दी महिंद्रा ने वो थे हाइड्रोलिक स्टड्स, जो कि इसके अंदर नेसेसरी थे, वो होने चाहिए थे क्योंकि बहुत हैवी है। अगर आपने फॉर्चुनर का कभी उठाया तो ये उठा के देखना, सेम आपको फील आएगी बिल्कुल। तो ये है, और ये तो एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में, चलिए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना, थोड़ी लेट आ रही है ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हम कि हमें कोई अपना टाइम दे, थोड़ी सी लेट आ रही है तो उसके लिए सॉरी। बाकी वीडियो चलिए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में, पापा।